एक्सेल शीट के अंदर पेज नंबर कैसे डालते हैं आइए जानते हैं। तो पेज नंबर डालने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा हेडर फुटर का, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज नंबर ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर ये डल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर डाला 102। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पर दो ही आ रहे हैं पेज नंबर। दोस्तों जितना कंटेंट होगा उतने पेज नंबर शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफ लगाना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर से आप डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हेडर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज वन ऑफ जो भी पेज जितने हैं उतने यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आने लगे, पेज यहाँ पर टू है क्योंकि यहाँ पर कंटेंट कम है, इसलिए दो पेज आ रहे हैं। तो है कि वन ऑफ टू और यहाँ पर टू ऑफ टू, है ना। तो ये आप फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फुटर में चाहिए तो फुटर में भी कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डिज़ाइन में जाएंगे, ये है फुटर, तो यहाँ पर फुटर में भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये फुटर में भी आ गए, है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से हम पेज नंबर डालते हैं अपने एक्सेल फाइल के अंदर। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।